ये लोग भूल कर भी ना खाएं लौकी, नुकसान जानकर हो जाएंगे दंग। लौकी पौष्टिक व हेल्दी सब्जी की श्रेणी में आती है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होती है, जो शरीर व सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। लौकी से विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, साथ ही लौकी के पकौड़े, कोफ्ते, जूस आदि भी बनाए जाते हैं। ये हेल्दी व टेस्टी और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरे होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो पेट, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, किडनी स्टोन, कमजोर इम्यूनिटी या गर्भावस्था की स्थिति में हो। उन्हें लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करना भी हो तो सावधानी बरतनी चाहिए व अगर करना भी है तो संतुलित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। आइए जानें आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से किन लोगों के लिए लौकी है लाभदायक और किन किन लोगों के लिए लौकी का सेवन हो सकता है खतरनाक। हमारे खाद्य पदार्थ में बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है और लगभग सर्वत्र सभी जगह पाई जाती है। और मूल रूप से लौकी का हम लोग औषधीय प्रयोग या औषधि के रूप में या फिर जहाँ पे औषध चिकित्सक नहीं है वहाँ पर भी लोग जानते हैं इसका प्रयोग करना। और बहुत ही अच्छा पित्त शामक औषधि है ये या आहार द्रव्य है। जिनको भी अगर पित्त की विकृति हो तो उनको अगर भी लौकी का जूस निकाल कर या खाली पेट अगर सेवन किया जाए तो विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के फायदे ऐसे लोगों को मिल सकते हैं। और उधर बहुत अच्छा पेट साफ रहता है इसका, खाली पेट इसका कच्चा रस निकाल के पिया। ये कई प्रजातियों में पाई जाती हैं जिसमें सबसे अच्छी मैं समझता हूँ कि जो लंबी वाली लौकी होती है और उसका छिलका सहित उसका जूस निकाला जाए, छिलका हटा करके नहीं, छिलका। और जो मैच्योर लौकी हो, बाल्यावस्था की लौकी में उतनी उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, लेकिन जो मैच्योर खान सब्जी खाने के लिए बाल्यावस्था की लौकी अच्छी है, लेकिन जो जो रस निकाल के जिनका पीना है वो जो मैच्योर लौकी है जिनकी बीज थोड़ी सी शक्त हो गई है ऐसे लौकी का रस निकाल करके पित्त की विकृति वाले रोगों में या पेट की विभिन्न प्रकार की समस्याओं में है ना, जिनको कि मल का विसर्जन अच्छे से ना होता हो ऐसे लोग भी लौकी का रस का सेवन करें तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लोगों का बीपी लो रहता है ऐसे लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। या फिर वैसे लोग जो गर्भावस्था जैसी माताएं जो गर्भवती हैं इन लोगों को भी लौकी का सेवन थोड़ा सा सीमित मात्रा में कर सकती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में।